हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। हमारा चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप यह मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो यहां मुख्य भौगोलिक वितरण के विषय में बताया जाएगा। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो यहां आप देखेंगे कि भारतीय स्थलाकृतियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। उनमें से नंबर 1 है द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, और नंबर 2 है द नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान, और नंबर 3 है द पेनिनसुलर प्लेट और प्रायद्वीपीय पठार, फिर नंबर 4 है द इंडियन डेजर्ट, तो भारतीय मरुस्थल, और नंबर 5 है द कोस्टल प्लेन, तो भारतीय तटीय मैदान, और फिर उसके बाद 6 नंबर पे है द आइसलैंड। तो द्वीप समूह के विषय में हम जानेंगे, तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला है द ग्रेट माउंटेन्स, हिमालयन ग्रेट माउंटेन्स के विषय में बात करेंगे। तो हिमालयन माउंटेन्स की क्या विशेषताएं हैं? हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या बताया गया है इसके विषय में हम जानेंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और दीज माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। बताया गया है ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में हिंदू से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं, और फिर हम देखते हैं द हिमालयंस रग्ड माउंटेन, हिमालयंस रिप्रेजेंट द सॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बताया गया है यहाँ पर हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो एक अत्यधिक अवरोधों में से एक है। फिर इसके बाद दे फॉर्म एंड अर्थ विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्ध वृत्त का निर्माण करता है। देयर विड्थ वेरीज 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। द अल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द वेस्टर्न हाफ देन इन द वेस्टर्न हाफ। इसके पश्चिम भाग में या इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। हम देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्रीज। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टेस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाईएस्ट ऑफ 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो यहाँ बताया गया है इसके उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर हैं। तो आइए यहाँ हम देखते हैं किस तरह से भारत में ये हिमालय की जो रेंज है वो फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है तो वो 400 किलोमीटर है, और अगर हम यहाँ बात करें
अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 150 किलोमीटर की चौड़ाई में ये हिमालयन रेंज फैली हुई है। अब यहाँ पर कई ऊंचे ऊंचे पीक्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जास्कर रेंज और कर्राकोरम रेंज है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंदा देवी है, धौलगिरी है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसके बाद कंचनजंगा ये भारत में है, और यहाँ पर नामचा बरवा ये कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं। तो बहुत ही ग्रेट है हिमालय माउंटेन, और यह भारत को बहुत से तरीकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इतना ही नहीं है, भारत में इन महान पहाड़ों के, इन महान पर्वत श्रेणियों के अलावा और भी बहुत सी पर्वत श्रेणियां हैं जो कि मध्य दक्षिण भारत में फैली हुई हैं। तो चलिए एक नज़र हम उन पर देखते हैं, और फिर हम आपको प्लेटू जो है वो भी आपको समझाने जा रहे हैं। हिमालय के बाद हम अगर बात करें तो डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो राजस्थान हमारा स्टेट है उसमें ये डेजर्ट फैला हुआ है। फिर हम यहाँ पर प्लेटू की बात करते हैं, तो मालवा प्लेटू है जो कि मध्य प्रदेश को काफी हद तक घेरे हुए है। फिर छोटा नागपुर है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर फैला हुआ है। फिर डक्कन प्लेटू है, यह दक्षिण भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है, और ईस्टर्न जो घाट है वो हम देख सकते हैं, जो भारत का ईस्टर्न एरिया है, कोस्टल एरिया है उससे लगता है, और वेस्टर्न जो घाट है वो भारत के वेस्टर्न एरियाज में लगता है। तो यहाँ पर बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे कि नाइम मलाई और अनाइम मूडी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो अपने उचित भंडारों के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पर बहुत सी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई जाती हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 1848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर कंचनजंगा है, यह इंडिया में है, 8598 यहाँ पर मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है मकालू, और फिर धौलगिरी है, फिर नागा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा और नंदा देवी, फिर कामेत है, और नामचा बरवा है, और गोरिया मंधाता है। तो यहाँ पर बहुत से जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कुछ भारत में हैं तो कुछ नेपाल में हैं। अब देखते हैं द फॉल्ट्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसीमेट्रिकल इन नेचर, तो यहाँ बताया गया है महान हिमालय के इस भाग का रोड ग्रेनाइट का बना है। द क्रोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, और देखिए यहाँ पर यह पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिस्केंड फ्रॉम दिस रेंज, तथा इसमें बहुत सी हिमानियां स्थित है। यहाँ पर फाइंड आउट के विषय में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेज दैट लाई इन ग्रेट हिमालयस, तो हिमालय में पड़ने वाले महान जो दर्रे हैं और जो ग्लेशियर्स हैं उनके विषय में पूछा है, उनके नाम बताने हैं। और नेक्स्ट है द नेम ऑफ द स्टेट्स वर हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड, और उन राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर हाईएस्ट पीक पाई जाती हैं। अब देखते हैं द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय, तो यहाँ बताया गया है हिमाद्री के दक्षिणी भाग में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम है, जो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड
अल्ट्रेड रॉक। यहाँ पर देखिए इनका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 meters एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 kilometers वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। ये बताया गया है पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इनकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और इनकी औसत जो चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस। तो यहाँ पर बताया गया है इसी श्रृंखला में बहुत सी और भी श्रृंखलाएं हैं। महाभारत और धौलाधार श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को अनेक पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। फिर से फाइंड आउट की बात करते हैं। लोकेशन ऑफ मसूरी और नैनीताल रानीखेत फ्रॉम यूअर एटलस एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो ये आपको बताना है कि ये तीनों स्थान किन राज्यों में हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 kilometers एंड अबव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 meters। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है जो चौड़ाई में 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई में 900-1100 किलोमीटर के बीच है। दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रोथ डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। तो यहाँ बताया गया है कि यह श्रृंखला ये उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों के द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। यह श्रृंखला बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। तो इनको दून घाटी के नाम से जाना जाता है जो शिवालिक और हिमाचल के बीच में पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं देहरादून कोटली दून एंड पटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो इन में से कुछ मुख्य जो नाम है वो है देहरादून कोटली दून और पटली दून प्रमुख हैं। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। These divisions have been demarcated by rivers valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. तो देखिए क्या कहा गया है। इसके अतिरिक्त हिमालय की या हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है।
उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लिंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डेमोक्रेट द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लिंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय। तो देखिए, जबकि पश्चिम से पूर्व तक इसी क्रमश से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार सतलुज तथा काली नदियों के बीच में हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता और काली नदियां हिमालय नेपाल हिमालय और दिहांग तथा तिस्ता नदियां असम हिमालय के सीमा पर सीमा रेखा तय करती हैं। तो ये बताया गया है। अब देखते हैं, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बैंड आर्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये बताया गया है, इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्यों से गुजरते हुए तथा मजबूत बलवा पत्थरों से बनी हैं। कवर्ड विद रेंज फॉरेस्ट दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। तो ये पहाड़ियां बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैली हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई है और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और नदी घाटियों के रूप में फैली हैं। तथा पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स एंड नागा हिल्स मणिपुर हिल्स एंड द मेजो हिल्स। तो यहाँ बताया गया है कि ये घने जंगलों से और नदियों से घिरी हुई है। इसके पूर्व में नागा पटकाई मणिपुर मिजो पहाड़ियां शामिल है। अब हम बात करते हैं नॉर्थन प्लेन की। एक जबरदस्त रीजन है जो भारत को समृद्ध बनाता है। द नॉर्थन प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंडस एंड गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन्स। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 lakh square kilometers। द प्लेन बींग अबाउट 240 to 320 kilometers ब्रॉड is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. तो उत्तरी मैदान के विषय में बताया है। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। लाखों वर्षों में हिमालय यह जो बताया गया कि हिमालय में स्थित बहुत बड़े बेसिनों रोनी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ।
जिससे यह उपजाऊ मैदान निर्मित हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिहाज से यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइसलैंड। तो यहाँ बताया गया है उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। निचले भागों में ढाल कम होने के कारण इनकी गति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। बहुत ही बढ़िया जानकारी है। डू यू नो में क्या जानना है, तो देखिए माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो देखिए बताया है नदियों के निचले भाग में गाद इकट्ठी हो जाने के कारण नदियां बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं और जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं, द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पार्ट द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम द चेनाब द रावी द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द ड्वार्फ्स। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का ज्यादातर भाग पाकिस्तान में स्थित है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर डू यू नो आया है, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है दोआब। डू का मतलब है मीनिंग टू यानी कि 2 एंड अब मीनिंग इसका मतलब है पानी। तो सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप 2 वर्ड्स पंजाब, पंज मीनिंग यानी कि 5 एंड अब यानी कि वाटर। तो 5 जो नदियां हैं उसके क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। अब यहां देखते हैं द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थन इंडिया हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो गंगा के मैदान का फैलाव घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है और यह उत्तरी राज्यों हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है और इसके पश्चिम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो विशेषकर असम में स्थित है। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डिजर्व रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। द नॉर्थन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। तो
तो उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावचों के आधार पर बिना किसी विविधता वाले समतल मैदानों के रूप में की जाती है। यह ठीक नहीं है। इन विशाल मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में काफी विविधता पाई जाती है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स इट इज नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। तो बताया गया है विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में बांटकर आगे क्या बताया है। शिवालिक की ढलानों पर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेप करती हैं ये नदियाँ, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। तो आगे बताया है साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट ए वेट मैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज त्राई। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। सो सभी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं पुनः निकलकर नम और दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए काटा जा चुका है। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम दी दे लाई अबोव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर। तो यहाँ बताया गया है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, जो वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। तो इसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। इस भाग को बांगर कहा जाता है। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल आइडल और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ बताया गया है इस क्षेत्र में मृदा में चूने के नीचे पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा कंकड़ कहा जाता है, और बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेपों को खादर कहा जाता है। लगभग प्रतिवर्ष इनका पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये अत्यंत उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए आदर्श स्थल कहे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के जो रीजन है उसके विषय में, और वो है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के विषय में हम जानेंगे क्या कुछ इसमें होता है। द इंडियन डेजर्ट स्ट्रेचेज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो बताया गया अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है, जो बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इट इज प्योरली सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड डून्स। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है जो कि एक बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। दिस रीजन रिसीव्स स्कैटरी रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर 150 mm से भी कम वर्षा प्राप्त होती है।
इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेन पावर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कम वर्षा होती है जिसकी वजह से फलस्वरूप इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। ये आप समझ गए होंगे कि केवल वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं यहाँ दिखाई देती हैं एवं उसके बाद वे बालू में ही लुप्त हो जाती हैं। लूनी इज द मेन रिवर इन दिस रीजन। पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलने से ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं पीछे बहुत दूर तक बालू के डिब्बे हैं, इन्हें सैंड डून्स कहा जाता है और इन सैंड डून्स में एक ही जो व्हीकल है वो काम आता है और वो है कैमल। बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला पशु जो कि बालू में बिना रुके बिना थके कई दिनों तक बिना पानी पिए बगैर कुछ खाए चल सकता है, इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। देखिए क्रेसेंट शेप्स डून्स ब्रांचेज कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडिनल डून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। वी कैन सी ए ग्रुप ऑफ ब्रांचेज इन जैसलमेर। यहाँ बताया गया है बर्कन जो कि अर्धचंद्रकार बालू का टीला है, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। आप जैसलमेर में जाएं तो बर्कान के समूह देख सकते हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान के विषय में जानेंगे। तो द पेनिनसुलर प्लेटू इज लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स एट रन्स अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो बताया गया है प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय तटियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट इज ए नैरो प्लेन। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शन। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द होंकन मुंबई टू गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच इज नोन एज द कन्नड प्लेन वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। तो इसके तीन भाग है, उत्तरी तटीय भाग को कोंकण यानी कि मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। द प्लेन ऑन द साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज नोन एज द नॉर्थन सरकार वाइल द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ बताया गया बंगाल की खाड़ी के साथ चौड़ा एवं समतल विस्तृत मैदान है, इसे उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है और की दक्षिणी भाग में यह कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। मैनी बिग रिवर्स लाइक द गोदावरी द महानदी कावेरी एंड द कृष्णा हैव मेड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इसी तरह से यहाँ पर जानने को मिल रहा है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी आदि बड़ी नदियाँ इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। लेक्स चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट लेक सिचुएटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और इसके पूर्वी भाग में जो चिल्का झील है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, वो यहाँ पर मौजूद है। द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की नदी है और इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, यह ओडिशा में मौजूद है। द टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और महानदी के
साउथ में यह है तहमा नदी के डेल्टा डेल्टा के साउथ में यह स्थित है। नाउ वी आर नो अबाउट द आइसलैंड, अब हम आइसलैंड के विषय में जानेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज ए वास्ट मेनलैंड एंड द कंट्री हैज आल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। जैसा कि हम देख चुके हैं कि भारत के मुख्य स्थलीय भाग अत्यधिक विशाल हैं, इसके अलावा भारत में दो द्वीप समूह भी स्थित हैं। फाइंड द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप लेंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। इस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड। तो यहाँ पर इसके अलावा हम जानते हैं कि क्या आप इन द्वीप समूहों की पहचान कर सकते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति का पता लगाइए। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लका द्वीप, मीनिकाय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। देखिए ये हम जान चुके हैं, अर्लियर दे वर कॉल्ड लका द्वीप, मीनिकाय एंड अमीन द्वीप इनके नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर कॉल्ड लक्षद्वीप। 1973 में इनको लक्षद्वीप के नाम से पुकारा जाने लगा था। इट इज स्प्रेड इन स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। करावती आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय और इसकी लेंथ बताई गई है। कुल 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से एरिया में यह द्वीप फैला है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय करावती या कवरती द्वीप है। दिस आइसलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फौना एंड फ्लोरा। द पतली आइसलैंड हैज ए बर्ड सेंचुरी एंड इज एन इनहेबिटेटेड आइसलैंड। यहाँ पर मैं पता चल रहा है यहाँ पर पादप और तंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पतली द्वीप यहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण है। अब देखिए लोकेट अलोंगेटेड चैन ऑफ आइसलैंड सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ बताया गया बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला में अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर scattered and more numerous. The entire group of Iceland is divided into two broad categories. The Andaman in the north and the Nicobar in the south. So, geographic scholars say that these islands are an elevated portion of the submarine माउंटेन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह द्वीप समूह आकार में काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक और बिखरे हुए हैं। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है और उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समूह समुद्र में डूबी पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। दीज आइसलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। इट हैज आल्सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। दीज आइसलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड हेंस हैव इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट कवर। तो बताया गया है देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों पर पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। विस्तृत वृत्त के समीप स्थित होने के कारण यहाँ ही जलवायु विषुवतीय है और यह स्थान घने जंगलों से आच्छादित है, यानी कि घिरा हुआ है। अब हम एक पहरा है इसको देख लेते हैं। कोरल के विषय में बताया गया है। तो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनीज। दे ग्रो इन सलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। दे स्क्रेट हार्ड रॉक लाइक ऑब्टेन्स कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म
ऑफ रीफ। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ, रिंगिंग रीफ एंड एटोलिस रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स लो शेप्ड कोरल रीफ। यहाँ हम जान सकते हैं कि उन समेत रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जो कि समूह में रहते हैं परवाल पॉलिप कहलाते हैं। इनका विकास गर्म छिछले जल में होता है। इनमें से कठोर सेल के समान पत्थर निकलता है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, जो मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, पद्ध प्रवाल रोधिका और पद्ध तटीय प्रवाल भित्ति तथा पद्ध प्रवाल वलय द्वीप। और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोल अथवा हर्ष सु आकार वाले रोधिका होते हैं। अब हम देखते हैं, डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरल आइसलैंड इन अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार के बैरल द्वीप में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जीके का प्रश्न है। अब है ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वेरियस फिजियोग्राफिक यूनिट्स प्रोड्यूस द यूनिक क्वालिटीज ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउ एवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स ऑफ अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। बताया गया है इसमें विभिन्न स्थलाकृतियां या भू भागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि ये भाग प्राय एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। द हिमालयाज आर द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ एंड वाटर। द नॉर्थन प्लेन फॉर्म्स द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। द प्लेटो इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स दैट हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ समझने को मिल रहा है कि परंतु यह भी स्पष्ट है कि ये विभाग प्राय एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राय प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। ये उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनके फलस्वरूप प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। तो इसी तरह से थारी भारत के विषय में बताया गया है, खनिजों से यह भरा होता है जिसने देश में औद्योगिकरण के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है। द कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज एस वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव बीन हेल्पिंग इन अवर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बताया है कि तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन तथा पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। इसी प्रकार देश की अलग अलग भौतिक आकृतियाँ भविष्य में भारत के विकास की अन्य संभावनाओं को बल प्रदान करती हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, समझेंगे, और 2 से 3 बार अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है, देख लिया है, तो ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल इजी रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे आपकी स्टडी को लेकर के। इतनी ज्यादा नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिली है अपने देश के विषय में कि हमारे देश के किस साइड में, किस डायरेक्शन में कौन सी रीजन है, कौन सी स्थलाकृतियां आई जाती हैं, प्रत्येक लैंडमार्क की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, वो इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, हम ये सभी बिल्कुल डिटेल से जान चुके हैं। और ये चैप्टर आपको 10th क्लास में भी हेल्प करने वाला है। अतः आप लोग मन लगा करके अपनी स्टडी को करते रहें। और हम आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में
और भी जो ढेर सारी वीडियोस यूजफुल वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आसानी से आपको मिल सके। तथा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके चैनल की पहुंच हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपके स्टडी 888 चैनल से जुड़ सके। तो मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।